हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का लव एंड आरती फैमिली ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत हो गई है स्वादिष्ट स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर से। तो आज कुछ स्पेशल डे था, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो ये बनाया था कढ़ाई पनीर और इस तरह से मैंने बनाई थी पूड़ियाँ और ये थी दाल मखनी। तो इस तरह से हमने सारा मतलब जो है व्यंजन खाना पीना बनाया। और ये यहाँ पे ना डाइनिंग सेट हमारा खुल रहा है। कैसी है दिखाना? अच्छा ऐसी, अरे लाइट ऑन करो ऐसी है। और ये बड़ा साइज ये वाला है, स्पून्स तो नॉर्मल जो होते हैं वो होते हैं ये वाले। और बाकी क्या है इसके अंदर? ये बड़ी ट्रे है। ओके, और क्या? तो ये हैं छोटे बाउल और इसमें है सर्विंग बाउल है ये। तो इस तरह से ये डाइनिंग सेट था हमारा, काफी पुराना, परचेज किया हुआ था। तो ऐसे ही सोचा कि यार कुछ स्पेशल स्पेशल बनाया, आज इसमें डाला जाए। भूल चुके थे एक्चुअली इसको ख़रीद के, हम रखा हुआ था ऐसे ही। और ये हमारा खाना, थोड़ा बहुत थोड़ी मैं खा चुकी हूँ। तो इस तरह से ये सारा का सारा हमारा टेस्टी टेस्टी फूड हमने खुद बनाया और खा रहे हैं। और ये देखिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, उन्होंने केक बनाया था मेरे लिए। तो आप समझ गए होंगे केक क्यों बना है। तो केक बना है, आज मेरा बर्थडे है। तो ये देखिए, इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन केक जो है बिल्कुल जला हुआ बना। और ये वाला केक जो है इन्होंने रख दिया, इस पर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी थी और इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम कुछ करते हुए आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा क्या हो रहा है ये। मेरे पास इसलिए आया कि मम्मा मम्मा तोड़ ही नहीं पाएगी और मैं मजे करूंगा, ये इसीलिए आया ना था मम्मा के पास। अच्छा, मम्मा साथ के एक दो दांतों में निकाल देगी। ले ओ माय गॉड, जिसने नहीं करना था उसने कर डाला। तो जैसे कि सभी के साथ होता है, तो आरव जो है अभी 6 ईयर्स का हुआ, उसका जो है टीथ जो है फर्स्ट टीथ जो है जो मिल्क टीथ होते हैं ना वो टूटा। तो मैंने ही तोड़ा वो। एक्चुअली मैं इतना बड़ा काम कर नहीं पाती हूँ, लेकिन ऐसे ही बस करते करते मैंने कर डाला, क्योंकि उसका अंदर ना न्यू वाला टीथ भी आ चुका था। और फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग गए हैं भारत दर्शन पार्क में। तो इस तरह से पार्क है, पंजाबी बाग में ये पार्क है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए टिकट काउंटर वगैरह। तो टिकट काफ़ी महंगा था क्योंकि छुट्टी का दिन था, मुहर्रम भी था इस दिन। और 375 का हम तीनों का टिकट है, 150 एडल्ट्स का और 75 रुपीज़ किड्स का। तो इस तरह से, और बहुत ही अच्छे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। ये सारे के सारे भी मतलब वेस्ट मटेरियल के बने हुए हैं, तो देखने वाली जगह तो बनती थी। तो इसलिए ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाना था, तो यहाँ पर हम लोग आए। ये देखिए हवा महल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, फुल फ्लेज वीडियो लेके आऊँगी इसकी। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।